शास्त्री नगर वेटर हत्याकांड का एक नया खुलासा हुआ है। चोरी के शक में दो नाबालिग और एक युवक ने हत्या की थी। तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। शास्त्री नगर में एक 24 वर्षीय युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि युवक की लाश सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शास्त्री नगर सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास देखी थी। तिलवारा पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको पीएम के लिए भेजते हुए प्रकरण को जांच में लिया था। युवक के सिर और ललाट पर किसी रॉड या डंडे से चोट पहुंचाने के निशान मिले। कुछ देर बाद सबकी पहचान राहुल अहिरवार 24 साल निवासी चूल्हा गुलाई नारायणपुर के रूप में की गई थी। गिरफ्त में आए हत्या का मुख्य आरोपी मझौली निवासी रोहित राजपूत ने पुलिस को बताया, उसके दो दोस्त जिनकी उम्र 15 से 16 साल है बीती रात शास्त्री चौराहे पर बैठे हुए थे, तभी एक युवक मेडिकल की तरफ से लौट रहा था। उससे नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम राहुल अहिरवार बताया। युवक चोरी की नीयत से रात में निकला हुआ था। यही बात उससे पूछी तो वह गाली गलौज करने लगा। गाली देने से मना किया तो मारपीट पर उतारू हो गया। उसके बाद दो दोस्त और उसने युवक को ठिकाने लगाने के लिए बुरी तरह से लात घूसों से मारपीट की और बेहोश की हालत में छोड़कर भाग गए। वहीं जबलपुर के SP सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने बताया, 2-3 दिवस पूर्व थाना तिलवारा क्षेत्रांतर्गत बाजनावट चौराहे के पास जो सुलभ शौचालय है उसके पास एक अज्ञात मृतक का शव पुलिस द्वारा देखा गया था। उसका परीक्षण करने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसके साथ हत्या की वारदात हुई है। फिर उसकी शिनाख्त हुई। उसकी शिनाख्त राहुल चौधरी, उम्र 24 वर्ष, निवासी चूल्हा गुलाई के रूप में हुई। PM रिपोर्ट प्राप्त के उपरांत इसमें 302 का मुकदमा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया और फिर इसमें विवेचना शुरू हुई। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे CSP प्रियंका शुक्ला, उनका स्टाफ, सब इंस्पेक्टर नादोनिया, एडिशनल SP शिवेश, आप सब ने इसमें अच्छी मेहनत करी और इसमें जो आरोपीगण जो हैं वो पकड़े गए हैं। इसमें कुल मिलाकर के 3 आरोपी, इसमें 2 औपचारी बालक हैं। एक आरोपी की उम्र 22 वर्ष है जिसका नाम रोहित राजपूत है। कुल मिलाकर के मामला कुछ इस प्रकार का है कि जो मृतक है ये मजदूरी करते थे, बेलदारी करते थे। इनको एक लगुन के कार्यक्रम के लिए एक व्यक्ति द्वारा मजदूरी के काम से सुबह 10 बजे ले जाया गया था। फिर इनके एक साथी मजदूर के साथ इनको करीबन देर रात में बाजनामठ के पास छोड़ा गया था। जो आरोपीगण थे वो जो स्पॉट है उसके जहां इनका शव मिला है उससे जस्ट पीछे ही वहां टेंट का काम जो चल रहा है वो करते थे। वो जब अपने लोडिंग ऑटो से वहां जा रहे थे तो आरोपी जो मृतक है उसको खड़ा वहाँ देख उनको ये शक हुआ कि ये कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है। और फिर ये कुछ एक हॉट टॉक टाइप की जो है दोनों पक्षों में शुरू हो गई, जिसमें कि जो 3 आरोपीगण उसको बोलने लगे, अरे चोर चोर कौन है तू, इस प्रकार से उसको बोलने लगे, जिससे जो मृतक भी उत्तेजित हुआ और वो भी इनसे लड़ने लगा। तो आरोपीगणों ने जो फावड़े की जो बेंट होती है उससे इनके सर पर प्रहार कर दिया, मृतक के सर पर, जिसके फलस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। जो बेंट फावड़े की जो जिससे कि मृतक की हत्या होना पाया गया है अभी तक की योजना में वो भी जब्त हो गई है। और जो औपचारी बालक हैं और जो एक मुख्य आरोपी रोहित राजपूत हैं, उम्र 22 वर्ष, इन सबकी गिरफ्तारी अभी हो गई। मोहित का बैकग्राउंड क्या है? मोहित कौन? मुख्य आरोपी है रोहित राजपूत। ये बेसिकली जो टेंट में ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये टेंट का काम जो करते हैं उनके यहाँ मजदूरी का काम करते थे, उनके लिए काम करते थे। आप क्या कहना चाहते थे? लोडिंग ऑटो में काम। उसका परीक्षण करने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसके साथ हत्या की वारदात हुई है। फिर उसकी शिनाख्त हुई। उसकी शिनाख्त खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। जबलपुर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।